हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सीजेंस एडुकेटर द यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक्सीजेंस एडुकेटर द यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि हम लोग कर रहे थे कि आईबीपीएस क्लर्क मेंस का मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें कि ये सेट थ्री है। पहले दो सेट में मैं आपको मिसलेनियस सारा क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ये पूरा पजल्स का जो पांच पजल्स आए थे, वही उसी को मैं आपके पास लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करेंगे बिना किसी देर किए हुए। और सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है या तो हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, ताकि मुझे भी और अच्छा करने का प्रेरणा मिल सके। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं। और आईबीपीएस क्लर्क मेंस के पहले जो है, जितने भी टाइप के जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन आपको बहुत सारा करवा दूं, ताकि आपको वहां पे एक आइडिया लग जाए कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे ये पजल सेशन का। आज का हमारा फर्स्ट जो पजल है उसको, तो ये पजल है 8% सिटी ने रो सच दैट सम ऑफ देम आर फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड सम आर फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन। नो टू एडजेसेंट पर्सन आर सिटिंग अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ओ एंड क्यू एंड सो ऑन। अच्छा, बोल रहा है कि आठ लोग हैं, एक रो पे बैठा है, कुछ लोग साउथ फेस कर रहा है, कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहा है। ठीक है, अच्छा, नो टू एडजस्टिंग पर्सन आर सिटिंग अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण लाइन है जो कि आपको मैंने पॉइंट आउट करवा दिया है। इसमें क्या है कि जो अल्फाबेटिकल है, जैसे कि ए बी सी, तो बी जो है वो ए और सी के साथ नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है, तो इस तरीके से वो नहीं बैठ सकता है। ठीक है, तो आपको होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करेंगे अब। सी सी इज थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। सी जो है कोई भी एक एंड से जो है थर्ड पे बैठा है। तो देखिए, दो एंड है, हम दो पॉसिबिलिटी से वो करेंगे। तो ये एक सी यहाँ पे बैठा दिए। ठीक है, देखिए, ये सी तो सही नहीं हुआ, ये तो पूरा ओ लग रहा है, इसको क्लियर कर दे। अच्छा, सी यहाँ पे, ठीक है, और सी यहाँ पे, क्योंकि बोल रहा है कोई भी एंड से थर्ड पे बैठा है, तो मैं दो पॉसिबिलिटी लेके शुरू करता हूँ। ए सीज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अच्छा, ए जो है सी के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। तो देखिए, अगर सी नॉर्थ को फेस करता है तो थर्ड लेफ्ट में तो जगह ही नहीं है, तो इसलिए सी जो है साउथ फेस करेगा, ए यहाँ पे मेरा बैठ जाएगा। सेम यहाँ पे देखिए, अगर सी साउथ फेस करता है तो सी के लेफ्ट में तीसरा कोई पोजिशन है नहीं, तो सी नॉर्थ को फेस करेगा और ए जो है मेरा यहाँ पे सेट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक लोग है। अब देखिए, यहाँ पे बी या तो यहाँ पे आ सकता है, या तो बी यहाँ पे आ सकता है ना। बी यहाँ पे तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बी अगर यहाँ पे बैठता है तो बी के बाद सी आ जाता है, जो कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, और अल्फाबेटिकली ऑर्डर में मेरा कोई भी लेटर नहीं बैठ सकता है, तो इसलिए बी जो है मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, सेम यहाँ पे ये वाले कंडीशन में भी बी यहाँ पे तो नहीं बैठेगा सी के साथ, तो बी मेरा यहाँ पे राइट कॉर्नर पे आ जाएगा। चलो, ये भी सेट हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, थ्री पर्सन सीट बिटवीन डी एंड ई। डी और ई के बीच में तीन लोग हैं, तो मैं डी और ई के बीच में तीन लोगों को सेट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या देखूंगा, अच्छा, एज मेनी पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ ई एज टू द लेफ्ट ऑफ एच। अच्छा, ई के लेफ्ट में जितने लोग बैठा है, एच के लेफ्ट में भी उतने लोग बैठा है। ठीक है, ये मेरा कह रहा है, तो मैं ऐसे दे दूंगा। देखिए, ये अलग अलग तरीका आपका भी हो सकता है, आप जिस तरीके से करते हैं आप उसी तरीके से कीजिए। ठीक है, मैं जिस तरीके से लिखता हूँ मैं उसी तरीके से लिखता हूँ, ताकि मुझे एग्जाम में समझ आ जाए। चलो, उसके बाद क्या करें, एच फेसेस नॉर्थ डिरेक्शन। अच्छा, एच जो है वो नॉर्थ डिरेक्शन में फेस करता है, तो मैंने इसको इस तरीके से नॉर्थ डिरेक्शन में कर दिया है। इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी फेसेस सेम डिरेक्शन। सी के जो इमीडिएट नेबर्स है वो सेम फेस करता है, तो चलो लिख लेते हैं सेम फेस। ठीक है, चलो, उसके बाद क्या कह रहा है, पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड फेसेस सेम डिरेक्शन। एंड जो है वो सेम फेस करता है, तो चलो यहाँ पे भी हम सेम फेस लिख लेंगे। ठीक है, चलो ये भी लिख लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, जी सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ। जी जो है वो एफ के लेफ्ट में बैठा है, तो चलो ये भी कर दिए, है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, ई फेसेस ऑपोजिट डिरेक्शन एज ए। अच्छा, ई और
ए जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करता है। चलो ये भी लिख लिए, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करता है। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी फेसेस ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन। जी के इमीडिएट नेबर जो भी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करता है, ये भी लिख लिए। अच्छा उसके बाद जी डज नॉट फेस नॉर्थ डायरेक्शन। अच्छा जी नॉर्थ डायरेक्शन फेस नहीं करता है, तो जी साउथ डायरेक्शन को फेस करेगा। चलो अब पॉसिबिलिटी से शुरू करेंगे हम। देखिए सबसे पहला जो बेहतरीन पॉसिबिलिटी है, मतलब स्टेटमेंट है, वो है ये ई और एच। ई के लेफ्ट में जितने लोग हैं, एच के लेफ्ट में भी उतने लोग हैं। अब देखिए सबसे पहले ई को अगर मैं कॉर्नर पे देता हूँ यहाँ पे, तो ई के लेफ्ट में जितने लोग होंगे, चाहे साउथ फेस करे चाहे नॉर्थ, तो फिर मेरा डेफिनेटली एच भी कॉर्नर पे आना चाहिए। बट यहाँ पे तो बी है, तो यहाँ पे तो आ नहीं सकता। चलो अब अगर मैं ई को यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, तो एच यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए ये पे ई को यहाँ पे देने से, अब ये वाले कंडीशन को फिर अप्लाई होगा, ई और डी के बीच में तीन लोग हैं, जबकि ई अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, तो 1 2 3, मतलब ए के प्लेस पे डी आएगा, जो कि हो नहीं सकता। अगर मैं ए और बी के बीच में डी को दूँ, तो देखिए 1 2 3 सी के प्लेस में डी आएगा, मतलब ये वाले कंडीशन भी मेरा नहीं होगा। तो मेरे पास बचा क्या, यहाँ पे ई और या तो यहाँ पे, ये दोनों जगह पे हम चेक करेंगे, ठीक है। अब किस तरीके से हम कर सकते हैं, देखिए अगर मैं ई को यहाँ पे देता हूँ, तो ई अगर साउथ फेस करता है, ठीक है, अगर मैं ई को यहाँ देता हूँ, देखिए ई को अगर मैं यहाँ सेट करता हूँ, तो ई चाहे साउथ फेस करे, अगर ई साउथ नॉर्थ फेस करेगा, तो ई के लेफ्ट में चार लोग हैं, तो एच को भी या ऐसी जगह पे बैठाना होगा जिसके लेफ्ट में चार लोग हैं। तो अगर एच यहाँ पे ई आ जाता है, तो यहाँ पे कहीं पे भी आप एच दो, उसके लेफ्ट में चार लोग तो नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ई मेरा यहाँ पे आ जाएगा। होप आपको ये वाला कंडीशन समझ आ गया हो, तो ई यहाँ पे आ जाएगा। सेम यहाँ पे अगर मैं ई को यहाँ पे दू, यहाँ पे दू, तो ई के लेफ्ट, ई के अगर नॉर्थ फेस करे, ठीक है, तो ई के लेफ्ट में तीन लोग होंगे और ई के राइट में चार लोग होंगे, तो वैसा है तो एच तो यहाँ पे ही आएगा, तो फिर एच यहाँ पे आएगा, तो एच के लेफ्ट में तो चार ही लोग हो रहे हैं, ठीक है, तो यह मतलब यहाँ पे मेरा नहीं होगा। तो सेम मेरा ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, देखिए एच यहाँ पे, ठीक है, अच्छा नहीं यहाँ पे ई आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एच आएगा, एच के ना, अच्छा हाँ, मैं फिर मेरा एच यहाँ पे आ सकता है ना, तो ई मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए अच्छा ई यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि देखिए ई और डी के बीच में तीन लोग हैं, तो अगर मैं ई को यहाँ पे देता, तो तीन लोग या तो बी के प्लेस पे आता, क्योंकि इधर तो कोई जगह है नहीं, तो इसलिए मेरा ई यहाँ पे आया, ताकि मैं डी को यहाँ पे सेट कर सकूँ, ठीक है। ई और डी के बीच में चार लोग हैं, देखिए दोस्तों ये वाले कंडीशन में फिर ये गलत हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर ई मैं दे देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे डी बी के प्लेस पे आ जाता है, जो कि नहीं होगा, ठीक है, तो इसको मैं चेंज कर लूँगा। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए ये वाला कर दिया था, तो होप आपको समझ आ गया होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। चलो फिर अब मैं आपको आगे फिर यहाँ पे सेम सेट करके दिखाऊंगा। अब मैं ई को यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है, ये ई यहाँ पे आ गया, तो डी मेरा तब यहाँ पे सेट हो जाएगा, तो एच मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखो एच तो नॉर्थ फेस कर रहा है ना, एच मैंने नॉर्थ को फेस करा दिया, यहाँ पे भी नॉर्थ फेस करेगा, तो एच के लेफ्ट में जितने हैं, ई के लेफ्ट में उतने हैं। अब एच नॉर्थ को फेस कर रहा है ये वाले कंडीशन में, उसके लेफ्ट में तीन लोग हैं, तो ई को मैं साउथ फेस कराऊंगा, तो ई के लेफ्ट में तीन लोग हो जाएगा। सेम यहाँ पे देखिए एच के लेफ्ट में चार लोग हैं, तो ई को मैं साउथ फेस कराऊंगा, तो ई के लेफ्ट में चार लोग हो जाएगा, ठीक है। चलो ये कंडीशन भी हो गया, ये ई और डी के बीच में तीन लोग हैं, ये भी हो गया। अब मेरे पास दोनों कंडीशन में जो है दो दो जगह बचा हुआ है, दो दो दोनों पॉसिबिलिटी में मेरे दो दो जगह बचा हुआ है, जो कि एफ और जी के बीच होगा, ठीक है, तो एफ के लेफ्ट में जी है।
अब देखिए अब मैं क्या सेट कर सकता हूँ, ये वाले कंडीशन को सी, ठीक है, ये वाले कंडीशन को सी के पड़ोसी सेम फेस करता है। अब देखिए ये सी है, सी के पड़ोसी एच, और यहाँ पे जो भी आएगा एच नॉर्थ फेस कर रहा है, इसका मतलब ये भी नॉर्थ फेस करेगा। सेम यहाँ पे सी देखिए एच नॉर्थ फेस कर रहा है, इसका मतलब ये भी नॉर्थ फेस करेगा जो भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या बैठा सकते हैं, अब देखिए ए फॉर जी, अब क्या है कि जी मेरा साउथ फेस कर रहा है, ठीक है। अगर मैं एफ को यहाँ पे दे दूँ, देखिए जी तो यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि ये नॉर्थ फेसिंग है, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ, तो मेरा जी यहाँ पे आ गया और जी फेस कर रहा है साउथ। देखिए ये वाला एकदम सेटिस्फाई कर रहा है, बट यहाँ पे मैं देखो जी तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो जी यहाँ पे बैठा देंगे और यहाँ पे एफ, ठीक है। अब एफ के लेफ्ट में तो कोई है नहीं, मतलब जी तो है नहीं, तो इसका मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी मेरा कट जाएगा। अब ये वाला देखिए मेरा सेटिस्फाई कर रहा है और बाकी के भी मैं अब सेट करूंगा। अब मैं क्या सेट कर सकता हूँ, देखिए ई और ए ऑपोजिट फेस, अब ई अगर नॉर्थ फेस कर, सॉरी इसमें दे चेक करिए तो कट गया। अब देखिए ई यहाँ पे साउथ फेस कर रहा है, मतलब ए नॉर्थ फेस करेगा, क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पे कहा गया है ई और ए जो है ये ऑपोजिट फेस है, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अच्छा जी के पड़ोसी ऑपोजिट फेस है, ठीक है, जी के पड़ोसी जी ये है, ए और बी पड़ोसी है, ए अगर नॉर्थ फेस कर रहा है तो बी डेफिनेटली साउथ को फेस करेगा, क्योंकि पड़ो ऑपोजिट फेस बोला है ये वाले में, तो ये भी मेरा कट गया। अच्छा अब बचा क्या, अब बचा ये एंड सेम फेस करता है, ठीक है। अब एंड सेम फेस करता है तो बी अगर साउथ फेस करेगा तो डी भी साउथ ही फेस करेगा, क्योंकि सेम फेस करता है, और इसी के साथ मेरा जो है पजल सॉल्व हो गया। तो होप आपको समझ आ गया हो किस तरीके से। चलिए ये वाले पजल को देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है। अ मीनिंगफुल एट लेटर वर्ड इज गोइंग टू फॉर्म, मतलब एक एट लेटर का एक वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड जो है बनेगा अगर हम इसको अरेंज करेंगे, मतलब सही से सेट करेंगे। नो टू लेटर इज दिस वर्ड आर सेम, मतलब इसमें जो भी लेटर आएगा वो सेम नहीं है। देयर आर थ्री लेटर्स बिटवीन एस एंड एन, ओके, तो मूलक कहा गया एस और एन के बीच में तीन तीन लेटर है, ठीक है। सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, सी जो है वो सेकेंड लेफ्ट में है यू के, चलो ये भी बिठा लिए। यू विच इज टू द लेफ्ट ऑफ टी, यू जो है वो टी के लेफ्ट में है, ठीक है, चलो ये भी बिठा दिए। डी इज इधर एट एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट, ओके, डी जो है या तो एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा है या तो एक्सट्रीम राइट में बैठा है। चलो हम ये इसको तो हम सेट कर ही सकते हैं, दो पॉसिबिलिटी से हम कर रहे हैं तो उसे वैसे ही करेंगे। अच्छा देयर आर एटलीस्ट टू लेटर आर बिटवीन डी एंड ओ, डी और ओ के बीच में एटलीस्ट 2% तो होना ही चाहिए और ज़्यादा भी हो सकता है, तो मैंने टू और मोर लिख दिया, ठीक है, डी और ओ के बीच में। चलो ये समझ में हो आ गया होगा मैंने किस तरीके से किया है। ओ विच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, अच्छा वो जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है किसके, यू के, चलो ये भी बिठा दिए। टी इज एट इमीडिएट राइट ऑफ एन, अच्छा टी जो है वो इमीडिएट राइट में है किसके, एन के। आई इज नॉट एट एक्सट्रीम एंड, आई जो है वो एंड में नहीं बैठा है, ठीक है, यही मेरा कहा गया है। अब देखिए इसको मैंने कौन सा कंडीशन ले सकता हूं तो जो सबसे बढ़िया सेट हो सकता है। अब देखिए मैं आपको बढ़िया से समझा दूंगा ये वाले, ठीक है। देखिए एक तो है कि आप जितने भी मेरा लेटर आ रहे हैं आप उसको एक बार में लिख लीजिए और देखिए कि आप उससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं कि नहीं, ये हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है देखिए डी सी यू ओ एन टी आई और एस, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए आप इससे कोई बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है, अगर नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो आप उसको तब उसको समझ के इसको सेट करना है। अब देखिए किस तरीके से हम दो कंडीशन को मर्ज कर सकते हैं। अब देखिए यू के सेकंड लेफ्ट में सी है और यू के जस्ट लेफ्ट में ओ है, तो इसका मतलब क्या, हम सी ओ यू इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ये वाले है ना, यू के जस्ट लेफ्ट में ओ और यू के सेकंड लेफ्ट में सी, ठीक है, और इस यू जो है वो आपके टी के लेफ्ट में है, ठीक है, तो ये मेरा कंडीशन है पूरा। अब देखिए इन जो है वो टी के जस्ट राइट में है, सॉरी टी जो है वो एन के जस्ट राइट में है, तो इसका मतलब क्या, एन टी, ठीक है, ये लेफ्ट में है और इसके लेफ्ट में जो है सी
PO U इस तरीके से कुछ मेरा बनेगा, ये वाला मैं काट देता हूँ, इस तरीके से मेरा कुछ सेटअप बनेगा। अब देखिए S और N के बीच में तीन लोग हैं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे N को लेता हूँ यहाँ पे, तो तीन लोग यहाँ पे सेट हो जाएंगे, ठीक है, S C O U सेट हो जाते हैं, यहाँ पे C, यहाँ पे O, यहाँ पे आपका U सेट हो जाता है, तो N यहाँ पे, E यहाँ पे, और जहाँ हम यहाँ पे N देते हैं ना, तो N और S के बीच में तीन लोग हैं, देखिए N और S के बीच में तीन, यहाँ पे S आना चाहिए D के प्लेस पे, बट यहाँ पे तो हम S को बिठा नहीं सकते, और अगर हम N को यहाँ देते हैं तो यहाँ पे S तो जगह ही नहीं है, तो मतलब S को तो हम यहाँ पे N तो हम सेट नहीं कर सकते। चलो एक जगह और खिसका देते हैं, यहाँ पे मैं S को दे देता हूँ, ठीक है, सॉरी N को बैठाता हूँ, तो N यहाँ पे, N के जस्ट राइट में T यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देता हूँ S, यहाँ पे मैं देता हूँ T, ठीक है, T यहाँ पे देता हूँ, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं N, तो एक यहाँ पे N हो गया, ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा मेरा U, यहाँ पे O, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा T। अब देखिए N और S के बीच में तीन लोग हैं, तो N और S के बीच में मैंने तीन लोग सेट कर दिए। अब देखिए I यहाँ पे आ जाता है, बट यहाँ पे मेरा क्या कहा गया, आई एंड पे नहीं आएगा, है ना, तो इसका मतलब ये भी कंडीशन से मैं इसको कर नहीं सकता, तो इसका मतलब मुझे ये वाले पूरे कंडीशन जो है नहीं सेट होगा, ठीक है, तो इसको मेरा पूरा हटा देना है। चलो ये हट गया, अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ इसमें भी ऐसे सेट नहीं होगा, तो मुझे डायरेक्ट टी यहाँ पे देना होगा, यहाँ पे मेरा एन आ गया तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, यू आएगा, यहाँ पे ओ आएगा, यहाँ पे टी आएगा, क्योंकि मेरा ये वाला, देखिए ये वाला कंडीशन मैंने लिख के रखा था, ठीक है, एन और एस के बीच में तीन लोग हैं, एन और एस के बीच में तीन लोग, आई यहाँ पे, देखिए कितना फर्स्ट क्लास सेट हो गया, डिस्काउंट, है ना, मीनिंगफुल वर्ड बना कि नहीं, डिस्काउंट। अब देखिए मैं अगर इसी पॉसिबिलिटी को, आप कहेंगे कि यहाँ पे क्यों नहीं चेक किए, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको खुद समझ आ जाएगा। देखिए कि यहाँ पे मैक्सिमम मेरा यहीं पे आ सकता है, एन यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा यू, यहाँ पे आएगा वो, यहाँ पे आएगा सी, और यहाँ पे एस, और यहाँ पे जैसे ही मैं आई देता हूँ तो ये हो जाता है रॉन्ग, क्योंकि आई तो एंड में आएगा ही नहीं। अगर मैं टी को यहाँ पे भी देके करूँ ना, देखिए टी यहाँ पे सेट कर दिए, एन सॉरी टी यहाँ पे सेट कर दिए, एन यहाँ पे यू, यहाँ पे ओ, यहाँ पे सी, यहाँ पे एस, तो आई मेरा यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे डी, तो देखिए इसमें कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है क्या, एस सी ओ यू एन, ये टी है, आई डी, तो मीनिंगफुल वर्ड मेरा कोई नहीं बनता है, तो मतलब ये भी नहीं होगा। तो होप आपको समझ आ गया हो। 11% बाई थिंग्स वन आफ्टर अनदर, ओनली 5% बाई थिंग्स आफ्टर पी। अच्छा चलो 11% है जो कि एक के बाद एक कुछ सामान खरीदने के लिए जाता है, ठीक है, तो चलो 11 ये हम कर लेते हैं। थिंग्स पी 3% बाई थिंग्स बिटवीन पी एंड क्यू, आर बाई थिंग्स आफ्टर एस एंड बिफोर टी, देयर आर एज मेनी परसेंट बाई थिंग्स बिफोर यू एज आफ्टर बी। देखिए दोस्तों इस टाइप के पजल में आपको किस तरीके से सेट करना होता है कि मैं इसको डेफिनेटली लेके चलूँ या नहीं चलूँ। यहाँ पे देखिए ओनली 5% बाई थिंग्स आफ्टर पी, मतलब ये मेरा एक डेफिनेट कंडीशन है, तो जब मेरा यहाँ पे एक डेफिनेट कंडीशन है तो मैं इसको इस तरीके से लेके कर सकता हूँ। चलिए ये वाले पजल को हम लोग देख लेते हैं कैसा है। 11% बाई थिंग्स वन आफ्टर अनदर, ओनली 5% बाई थिंग्स आफ्टर पी, 3% बाई थिंग्स बिटवीन पी एंड क्यू, आर बाई थिंग्स आफ्टर एस एंड बिफोर टी। देखिए दोस्तों इस तरीके का, अरे मोरोन, चलिए ये वाले पजल को हम लोग देख लेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। 8% buy things one after another, only 5% buy things after P, 3% buy things between P and Q, R buy things after S and before T, there are as many percent buy things before U after V, more than 3% buy things between W and X, who buy things
जस्ट आफ्टर पी वाई बाई थिंग्स बिफोर जेड एंड आफ्टर आर नो वन बाई थिंग्स आफ्टर टी वाई बाई थिंग्स जस्ट आफ्टर वी एंड यू बाईज आफ्टर क्यू। देखिए दोस्तों इस तरीके के पजल पे जब हमारे पास एक डेफिनेट है मतलब कंडीशन मिल जाए, देखिए यहाँ पे जैसे ओनली 5% बाय थिंग्स आफ्टर पी मतलब पी के बाद जो है पांच लोग है, तो मुझे डेफिनेट कंडीशन है, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसको नंबरिंग कर लो जैसे हम लोग फ्लैट बेस्ड में बनाते हैं ना उसी तरीके से 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको नंबरिंग कर लिया, इससे क्या होगा आपको जो है बनाने में जो है वो बहुत आसान हो जाएगा चीज़ें ठीक है, इसलिए मैंने इसको नंबरिंग कर लिया है। आप भी नंबरिंग करके देखो, तब ही करो जब आपको डेफिनेट कंडीशन मिला हो, नहीं तो फिर आपको उसी तरीके से करना होगा जिस तरीके से बाकी जो है किए जाते हैं कंडीशन लेके ठीक है। चलो ये लाइन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, मुझे लाइन खींचने का प्रैक्टिस करना होगा लगता है। देखिए एक साउज या टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, चलो कोई बात नहीं पजल बनाना है ठीक है। चलो ठीक है तो अब शुरू करेंगे। देखिए फर्स्ट कंडीशन ओनली 5% बाय थिंग्स आफ्टर पी, पी के बाद पांच लोग हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका मतलब पी 6th प्लेस पे आ जाएगा। चलो दो कंडीशन से हम शुरू करते हैं ठीक है। देयर आर 3% बाय थिंग्स बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बीच में तीन लोग हैं, तो 1, 2, 3 क्यू यहाँ पे एक बार, 1, 2, 3 क्यू यहाँ पे एक बार ठीक है। इस तरीके से मैंने ले लिया है। आर बाय थिंग्स आफ्टर एस एंड बिफोर टी, ओके आर जो है वो एस के बाद बट टी के पहले जो है खरीदारी करता है ठीक है। चलो ये मैंने कर लिया है। उसके बाद क्या कह रहा है, दे आर एज मेनी पर्सन बाय थिंग्स बिफोर यू आफ्टर भी, यू के पहले जितने हैं भी के बाद में भी उतने लोग हैं ठीक है, ये एरो है ओके। मोर देन 3% बाय थिंग्स बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स, डब्ल्यू और एक्स के बीच में 3 से ज्यादा लोग हैं, डब्ल्यू और एक्स के बीच में 3 से ज्यादा लोग हैं। एक्स हु बाय थिंग जस्ट आफ्टर पी, एक्स जो है वो पी के जस्ट आफ्टर में है, तो मैं यहाँ पे एक्स को बिठा लूंगा क्योंकि ये मेरा डेफिनेट कंडीशन है। वाई बाय थिंग्स बिफोर जेड, वाई जो है वो Z के पहले खरीदता है बट आफ्टर R, जबकि R के बाद ठीक है, ये भी मैंने लिख लिया। नो वन बाय थिंग्स आफ्टर T, T के बाद कोई नहीं है, तो T हम लास्ट में दे देंगे, जब T के बाद कोई है नहीं तो ऑब्वियसली T जो है वो लास्ट पे आएगा ठीक है। चलो उसके बाद Y बाय थिंग्स जस्ट आफ्टर V, Y बाय थिंग्स जस्ट आफ्टर V, वी के जस्ट आफ्टर में जो है वो वाई खरीदारी करता है। चलो यू बाई आफ्टर क्यू, यू जो है वो क्यू के बाद, क्यू के बाद जो है यू खरीदारी करता है ठीक है, मैंने लिख लिया है। अच्छा चलो अब देखते हैं एक्स यहाँ पे ये वाले, अब इसमें हम देखेंगे कौन सा कंडीशन मेरा सबसे ज़्यादा डेफिनेट है, तो मैं इसको बैठा सकता हूँ ठीक है ये वाले कंडीशन को, क्यों क्योंकि बोला है W और X के बीच में 3 से ज़्यादा लोग हैं। अब देखिए X यहाँ पे तो नीचे तो कहीं W आएगा नहीं, तो और 3 से ज़्यादा लोग तो कम से कम 4 तो होंगे ही, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे मैं W को बिठा दूंगा। अब देखिए एक यहाँ पे भी W आ सकता है, तो इसके लिए मैं एक और कंडीशन मैं यहाँ पे जो है वो तो बना लेता हूँ। आज क्या हो रहा है मेरा हट, एक भी सही से मेरा राइटिंग सही नहीं आ रहा है, शायद मे भी सर्दी बुखार थोड़ा सा है, तो इसीलिए तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा इसके लिए ठीक है, क्योंकि आज ऑफिस भी ड्यूटी भी गया था और साथ साथ ये भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा मुझे अच्छा लगता है करना, तो इसलिए आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। चलो एक कंडीशन पी का यहाँ पर मैंने बना लिया है ठीक है, यहाँ पे मेरा एक्स आ जाएगा। अच्छा अब डब्लू मेरा यहाँ पे भी आ सकता है ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने डब्लू को ले लिया है। अच्छा ये कंडीशन सेट हो गया,
अब इसके बाद मैं क्या बैठा सकता हूँ, अब देखिए एक कंडीशन है वी के जस्ट आफ्टर वाई है, ठीक है, और वाई के नीचे जो है जेड है, देखिए ये वाले वाई के नीचे जेड है, ठीक है ना। तो मतलब वी को मुझे ऐसे जगह पे सेट करना होगा कि जहाँ पे मेरे यहाँ पे यू और यहाँ पे टी, देखिए अब देखिए वी को मुझे ऐसे जगह पे सेट करना होगा जिसके नीचे वाई और उसके नीचे फिर जेड आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे देखिए क्यू के नीचे यू है, देखिए क्यू के नीचे क्या यू है, टी है, डायरेक्ट यहाँ पे भी टी है, तो ये वाला कंडीशन तो मेरा ऐसे ही कट जाता है, ये वाला पॉसिबिलिटी मेरा ऐसे भी कट जाता है, तो मतलब पॉसिबिलिटी मेरा यही बचता है, ठीक है। तो मैं इसको अब मैं सेट करूँगा इसमें, देखिए तो कहाँ पे, हाँ अच्छा वी यहाँ पे हम दे सकते हैं, वी को यहाँ पे दे सकते हैं, अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनाऊंगा। मेंस का पजल है, पॉसिबिलिटी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, आप पॉसिबिलिटी लेके बनाइए ताकि आपको श्योर मतलब सही आंसर बने आपको बनाने के बाद, ठीक है। चलिए वी के बाद वाई मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ, अब देखिए वाई के नीचे जेड है तो मैं यहाँ पे जेड को बिठा दूंगा, ठीक है। चलो अब देखिए ये कंडीशन तो मेरा हो गया, अब ये वाला कंडीशन मेरा है, ये वाले कंडीशन में क्या कह रहा है, यू के ऊपर जितने लोग हैं वी के नीचे उतने लोग हैं। अब देखिए वी के नीचे कितने लोग हैं, एक दो तीन, इसका मतलब वाई के ऊपर भी तीन लोग होने चाहिए, एक दो तीन, सॉरी यू के ऊपर, तो यू मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यू मेरा यहाँ पे आ गया। अच्छा अच्छा यहाँ पे मैंने डब्ल्यू और एक्स के बीच में चार, अच्छा डब्ल्यू मेरा देखिए यहाँ पे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि डब्ल्यू और एक्स के बीच में तीन से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक दो तीन चार, तो W के यहाँ पे Q है ऑलरेडी, तो W यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मेरा क्या बचा, S और R, देखिए T के ऊपर R और S के नीचे R, तो इसका मतलब मेरा S यहाँ पे आ जाएगा और R मेरा यहाँ पे आ जाएगा, तो इसी के साथ मेरा ये पजल भी सॉल्व हो गया, ठीक है। होप आपको समझ आया हो, ठीक है। आपको इसी तरीके से पॉसिबिलिटी लेके बनाइए दोस्तों, मेंस का पजल है, तीन चार पांच पॉसिबिलिटी लेना चाहे लीजिए, आपके पास टाइम है, बट आपको सही बनना चाहिए क्योंकि उसके बाद आपके पांच मार्क्स पक्के हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये वाला यही रहा, ठीक है। चलो अगला पजल देख लेते हैं, ये एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, 8% का है। चलिए 8% ए बी सी डी ई एफ जी एच सिटी अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल, ऑल ऑफ देम गो टू 8 डिफरेंट सिटीज। अच्छा आठ लोग हैं सर्कुलर सिटिंग में बैठा है, अंदर फेस कर रहा है और वो अलग अलग शहर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो चलिए आठ लोगों का बैठने का जगह मैं यहाँ पे आराम से बना लेता हूँ, ये मेरा आठ लोगों का जगह बन गया, ठीक है। इसको भी यहाँ पे सेम ऐसे पूरा टेरा मेरा हो रहा है, उस पर आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन एफ एंड द वन हु गो टू पुणे। अच्छा उसके बाद एफ और पुणे के बीच में एक लोग है, चलो लिख लेते हैं एफ और पुणे के बीच में एक लोग है। थ्री पर्सन सीट बिटवीन द वन हु गो टू पुणे एंड द वन हु गो टू मुंबई। तीन लोग हैं मुंबई और पुणे, इसका मतलब देखिए जैसे भी ऐसे सर्कुलर अरेंजमेंट में ऐसे कहते हैं ना कि तीन लोग बीच में है तो हमेशा वो एक दूसरे के ऑपोजिट बैठता है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब पुणे मेरा यहाँ पे, पुणे यहाँ पे, तो मुंबई, मुंबई यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे, पुणे यहाँ पे, तो यहाँ पे मुंबई, ठीक है, ये भी यहाँ पे आ गए, मुंबई यहाँ पे आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे, देखिए एफ और पुणे के बीच में एक लोग है, तो एक बार हम एफ को यहाँ दे देंगे और एक बार एफ मैं यहाँ के इसको यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी से हम लोग करेंगे, ये वाला कंडीशन हो गया। चलो उसके बाद क्या कंडीशन है, दिस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु गो टू पुणे। अच्छा पुणे के थर्ड लेफ्ट में डी बैठा है, तो चलो डी को सेट कर देते हैं, डेफिनेट है, आप साथ ही साथ बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डी को बैठा दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, द वन हु इज फ्रॉम चेन्नई सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। अच्छा चेन्नई जो है डी के सेकेंड राइट में बैठा, देखिए डी अंदर फेस कर रहा है, सेकेंड राइट चेन्नई यहाँ पे हो जाएगा, चेन्नई,
चलो चेन्नई बिठा दी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे भी सेम चेन्नई, यहाँ पे भी चेन्नई हो गया, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, अच्छा 3% सीट बिटवीन द वन हु गो टू चेन्नई एंड द वन हु गो टू बेंगलोर। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे ही 3% सर्कुलर अरेंजमेंट में दो लोगों के बीच में आ जाता है तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट बैठता है, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा बेंगलोर, ठीक है, यहाँ पे मेरा हो जाएगा बेंगलोर, हो गया। अच्छा एच सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, जी के सेकेंड राइट में जो है एच बैठ रहा है, ठीक है। एच गो टू डेली, अच्छा एच जो है वो डेली को जाता है, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, जी सीज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, जी जो है वो ए के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। चलो ये भी लिख लिए। द वन हु गो टू चंडीगढ़ सीट सिक्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, अच्छा चंडीगढ़ जो है वो थर्ड लेफ्ट में है जी के, तो यहाँ पे हमें चंडीगढ़ दे सकता हूँ, ठीक है, ये चंडीगढ़ हो गया। तो इस तरीके से मेरा बैठेगा। अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद है बी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन पर्सन गो टू जयपुर, अच्छा जयपुर जहाँ जो है उसके इमीडिएट राइट में जो है वो बी है। चलो ये भी हो गए। सी डज नॉट गो टू मुंबई एंड कोलकाता, अच्छा सी जो है वो मुंबई कोलकाता नहीं जाता है, ठीक है, सी मुंबई और कोलकाता को नहीं जाता है। चलो ये भी काट दिए, ये भी काट दिए, सी मुंबई कोलकाता नहीं जाता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, ई डज नॉट गो टू चंडीगढ़, ई जो है चंडीगढ़ को नहीं जाता है, तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं ई चंडीगढ़ को नहीं जाता, काट दिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो अब हम कंडीशन को इसको सेट करेंगे, तो किस तरीके से हम सेट कर सकते हैं, देखो जी को पहले सेट करना है। देखिए ये वाला कंडीशन जी के सेकंड राइट में एच है और एच डेली में है, ठीक है, तो हम जी को ऐसे जगह के पे सेट करेंगे जिसके सेकंड राइट में हम डेली को बिठा सकते हैं। अब देखिए एक तो यहाँ पे जी बैठाएंगे, यहाँ पे जी को बिठा सकते हैं, उसके सेकंड राइट में एच डेली यहाँ पे आ सकता है। एक हम जी को यहाँ बैठा सकते हैं, उसके सेकंड राइट में डेली यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे बैठा लेते हैं हम जी को, ठीक है, जी यहाँ पे बैठा है सेकंड राइट में, एच डेली को बिलोंग करता है। अब देखिए ए के थर्ड लेफ्ट में जी है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा, ए के थर्ड लेफ्ट में एक दो तीन, ये जी, ठीक है, थर्ड लेफ्ट में जी आ गया क्योंकि ए इनसाइड फेस कर रहा है, उसके थर्ड लेफ्ट में जी। अब जी के थर्ड लेफ्ट में चंडीगढ़, अब देखिए 1 2 3 यहाँ पे फिर चंडीगढ़ आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको, हाँ जी के थर्ड लेफ्ट में चंडीगढ़। चलो ये भी सेट हो गया। उसके बाद ये वाला कंडीशन मेरा कट जाता है, ठीक है। अच्छा अब क्या मैं सेट कर सकता हूँ, देखिए जयपुर के जस्ट राइट में बी है, अब देखिए जयपुर यहाँ पे अगर आता है क्योंकि ये खाली जगह है, तो जयपुर के जस्ट लेफ्ट राइट में बी बैठा सकते हैं, नहीं जी यहाँ पे भी नहीं है, तो जयपुर देखिए यहाँ पे ही आ सकता है ना, क्योंकि ये एक खाली जगह बैठा है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी पुणे है, तो जयपुर को मैं यहाँ पे बिठा सकता हूँ, जयपुर के जस्ट राइट में बी है, चलो बी यहाँ पे दे दिया, ठीक है, जयपुर यहाँ पे आ गया। अच्छा अब मैं किसको बैठा सकता हूँ, मैं देखूंगा चेक करूंगा। चलो देखिए और बचा क्या, एक ही जगह बचा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है आपका कोलकाता आ जाएगा, क्योंकि बाकी का तो सबका शहर हो गया है। अब देखिए सी पहला क्या कह रहा है, हाँ सी, अच्छा कहाँ पे है, जयपुर, ये वाला कंडीशन तो हो गया, अच्छा ये वाला कंडीशन भी हो गया, अच्छा, ई जो है वो चंडीगढ़ में नहीं जाता है, ठीक है, तो चंडीगढ़ ई में तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो ई मेरा डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा तो बचा क्या, सी, सी यहाँ पे आ गया, और इसी के साथ मेरा पजल जो है सॉल्व हो गया, ठीक
ठीक है। अब आप बोलोगे कि देखिए ये वाला कंडीशन तो मैंने चेक नहीं किया। अरे जब मेरे ये वाले कंडीशन से मेरा जब सही बन गया है तो मैं ये वाला कंडीशन की चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको चेक कर देता हूँ तो इसमें किस तरीके से मैं इसको सेट कर सकता हूँ। ठीक है, सेट क्या होगा अभी कि नहीं होगा, चलो वही वाला कंडीशन लेंगे। ये जी के सेकेंड राइट में डेल एच डेली है, तो जी को हम कहाँ कहाँ पे दे सकते हैं। देखिए जी यहाँ पे अगर दे तो यहाँ पे तो कहीं पे जगह नहीं है, तो जी इस यहाँ पे मेरे लिए एक ही जगह बचता है, ये वो है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर जी देंगे ना, यहाँ पे अगर जी देंगे और जी के सेकंड राइट में एच डेली दे देंगे, तो थर्ड ए के और जी के थर्ड लेफ्ट में चंडीगढ़, देखिए 1 2 3 यहाँ पे मुंबई आ जा रहा है, तो यहाँ पे तो चंडीगढ़ आएगा नहीं, तो इसलिए ये वाला पॉसिबिलिटी तो मेरा नहीं होगा। तो एक पॉसिबिलिटी मेरा ये रह सकता है कि जी को मैं यहाँ दूँ और एच को मैं यहाँ पे दे दूँ। ठीक है, एच को मैं यहाँ पे दे दूंगा और जो कि है डेली। ठीक है, ये डेली हो गया एच। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, देखिए ए के थर्ड लेफ्ट में जी है, तो ये ए मेरा यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ए अगर यहाँ पे आता है तो थर्ड लेफ्ट में जी, और जी के थर्ड लेफ्ट में चंडीगढ़, देखो 1 2 3 तो चंडीगढ़ यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलो ये भी मेरा बराबर सेट हो रहा है। ठीक है, चलो ये कंडीशन भी सेट हो गया। अच्छा, अब क्या कह रहा है, जयपुर के जस्ट राइट में बी है। अब देखिए जयपुर मेरा यहाँ पे कहाँ बैठ सकता है, कहीं पे, एक तो यहाँ पे बैठ सकता है जयपुर, अगर यहाँ पे मैं जयपुर देता हूँ तो उसके जस्ट राइट में बी तो नहीं हो सकता है, तो जयपुर मेरा एक ही जगह यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, जयपुर यहाँ पे मैंने दे दिया और उसके जस्ट राइट में ये मैंने बी को दे दिया। अब जैसे यहाँ पे दिया तो मेरा बचा क्या, मेरा बचा यहाँ पे कोलकाता। ठीक है, कोलकाता बचा है तो मैंने लिख लिया कोलकाता। अब देखिए मेरा ये वाला कंडीशन बचा क्या, मेरे पास सी सी बचा और क्या बचा, और मेरे पास बचा सी और ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, चलो सी सी को ले लेते हैं। सी देखो मुंबई और कोलकाता में नहीं बैठेगा, ये वाले कंडीशन में सी मुंबई और कोलकाता में बैठेगा, तो सी तो यहाँ पे नहीं आ सकता है, ये तो मुंबई है और ये कोलकाता, मतलब सी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो मेरा ये कंडीशन टोटली रॉन्ग हो जाता है। समझ में आ गया आपको कि ये वाले कंडीशन में क्यों नहीं सेट हुआ। तो देखिए ये मेरा परफेक्ट आ गया, तो यही मेरा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये पजल भी आया था, मैंने ये एग्जाम में भी सॉल्व किया था ये वाले पजल। ठीक है, तो चलो अगले अगला जो पजल है मैं ये आपके लिए, आप कोशिश करो, अगर आपसे होता है तो बहुत बढ़िया है। इसका सॉल्यूशन जो है ये, इसका पीडीएफ जो है इस सेशन का, वो हमारे जो इस एक्सीजेंस एडुकेटर का जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।